नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। और एक बार फिर से हम यहाँ पर देखने वाले हैं उत्तराखंड में लेटेस्ट गवर्नमेंट वैकेंसी। और आज जिस भर्ती के बारे में हम बात करने वाले हैं, उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग में ये वैकेंसी निकली हुई है। डिटेल से हम जानेंगे कि किस कौन कौन से जो है पद पे जो है विज्ञप्ति जारी हुई है और कौन कौन इसके लिए आवेदन कर सकता है, किस तरीके से आपको इसमें आवेदन करना है। ठीक है, तो अगर इससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको छोटी छोटी भर्ती से रिलेटिव जो जो अपडेट है यहाँ पर आपको मिल जाती है। सीधे जो है इसका जो है ऑफिशियल जो है नोटिफिकेशन हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये जो भर्ती निकली है ये आपका कर्मचारी राज्य बीमा योजना में ये जो है भर्ती निकली है, श्रम चिकित्साएं सेवाएं, ये इसमें ये वैकेंसी निकली हुई है। इसी रोड देहरादून में ये जो है इसका जो है जो ऑफिस है निदेशक का, देखिए कर्मचारी राज्य बीमा योजना श्रम चिकित्सा सेवाएं उत्तराखंड के अंतर्गत यहाँ पे जो है राज्य के विभिन्न जो स्थानों पर जो है जो हॉस्पिटल्स है उसमें से वो ग्रुप गौ के में जो है स्वीकृत जो है रिक्त पदों को यहाँ पे जो है यहाँ पे इन्होंने ये विज्ञप्ति जारी की है। यहाँ पे सबसे पहले तो हम पद देख लेते हैं। यहाँ पे फार्मासिस्ट के 10 पद निकले हैं, एलोपैथिक के और एएनएम के जो है 10 पद यहाँ पे निकले हैं। वेतनमान आप देख पा रहे हैं लेवल 6 का है फार्मासिस्ट के लिए और लेवल 3 का है एएनएम के लिए। ठीक है, स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला जिसको हम कहते हैं। अब ये जो वैकेंसी है किस तरीके से आवेदन करना है, कौन आवेदन कर सकता है, तो यहाँ पे सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है, सबसे महत्वपूर्ण जो बात है कि ये जो वैकेंसी निकली है ये निकली है प्रतिनियुक्ति या सेवा स्थानांतरण के आधार पे। तो प्रतिनियुक्ति या सेवा स्थानांतरण के आधार यानी डिपुटेशन बेसिस पे या जो उनका जो ट्रांसफ़र के आधार पर, सर्विस ट्रांसफ़र के आधार पर ये वैकेंसी ये पद भरे जाने हैं। तो अब इसमें क्योंकि ये डिपुटेशन या सर्विस ट्रांसफ़र के आधार पर, तो इसमें जो है योग्यता केवल क्या मांगी गई है कि अगर आप फार्मासिस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप जो है ऑलरेडी जो है गवर्नमेंट एम्प्लॉय होने चाहिए इस पद पे, लेवल 6 के जो है पद पे आपको कार्यरत होना चाहिए। और अगर आप एएनएम में आवेदन करना चाहते हैं तो लेवल 3 के पद में आप ऑलरेडी कार्यरत होने चाहिए, तब जाके आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, यानी ऑलरेडी आपकी गवर्नमेंट जॉब हो। और अगर आप जो है अपना जो है डिपुटेशंस के बेसिस पे यहाँ पे अपना वो करना चाहते हैं या सर्विस ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। यानी कि जो है फ्रेशर्स कैंडिडेट या जो है जो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय इसके लिए आवेदन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और इसकी जो लास्ट डेट है ये 11 जून इन्होंने रखी हुई है कि 11 जून तक आप जो है बाई स्पीड पोस्ट जो है या रजिस्टर्ड डाक के द्वारा आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। और एड्रेस दिया है निदेशक कर्मचारी राज्य बीमा योजना श्रम चिकित्सा सेवाएं उत्तराखंड 22 EC रोड देहरादून के कार्यालय में आप इसको जो है रजिस्टर्ड डाक या स्पीड पोस्ट के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। इसमें कुछ इन्होंने शर्तें रखी हुई है कि ये जो प्रतिनियुक्ति है या सेवा स्थानांतरण है ये कार्मिक अनुभाग 2 उत्तराखंड शासन के शासनाधीश संख्या जो दिनांक 21 दिसंबर 2015 के अधीन होगी। और एक तो जो है ये इन पदों के लिए जो एज है 42 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। समस्त जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, एजुकेशन क्वालिफिकेशन से लेकर जो भी आपके डॉक्यूमेंट हैं, सेल्फ अटेस्टेड आपको फॉर्म के साथ लगाने हैं। विभागीय अनुशासनात्मक कार्रवाई प्रचलित न होने का प्रमाण पत्र आपको देना है जो कि विभागीय सक्षम अधिकारी के स्तर से निर्गत हो, ये भी आपको संलग्न करना होगा। और अभ्यर्थी को चयन से पूर्व नियुक्त प्राधिकारी स्तर से जारी अनापत्ति पत्र मूल रूप से इस कार्यालय को उपलब्ध कराना होगा। और ये केवल जो है 3 साल या उससे ज्यादा के लिए यहां पे हो सकता है जो आपका डिपोटेशन या सेल्फ ट्रांसफर के आधार पर। तो यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म का इन्होंने एक फॉर्मेट दिया है, आपको इसको डाउनलोड कर लेना है और इसको भर लेना है अगर आप इसमें आवेदन करना चाहते हैं।